दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर आयकर छापेमारी के विरोध में कानपुर प्रेस क्लब ने किया बड़ा प्रदर्शन। जी हां, दैनिक भास्कर और भारत समाज पर आयकर छापेमारी मीडिया को डराने का प्रयास है। उनका संदेश साफ है, जो भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे हम नहीं बख्शेंगे। ऐसी सोच बहुत खतरनाक है, सभी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये छापे तुरंत बंद किए जाए और मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। इन सभी मांगों को लेकर कानपुर प्रेस क्लब द्वारा एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन एसीपी को दिया गया। कानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जबरन दबाव बनाना बेहद गलत है और हम इसका विरोध करते रहेंगे। यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो चरणबद्ध तरीके से लगातार कानपुर प्रेस क्लब विरोध करता रहेगा। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता गौरव पासवान के साथ हबीबुर रहमान की खास रिपोर्ट, मोहित गुप्ता के साथ। ये जो मीडिया संस्थान दैनिक भास्कर और भारत समाचार में इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी, उसके विरोध में हम लोग ने प्रदर्शन किया है। 36 घंटे आईआईटी की टीम ने सघन तलाशी ली, उनको एक भी क्लू नहीं मिला। इससे साफ है कि लोकतंत्र की आवाज़ दबाने के लिए ये छापेमारी की गई थी, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, ये अघोषित इमरजेंसी के की तरह सरकार कार्रवाई कर रही है। तो अगर इस तरह की छापेमारी दोबारा हुई तो पत्रकार मुख्यमंत्री का आवाज़ घेरेगा और फिर इसके जिम्मेदार स्वयं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी होंगे।